सर बनारस का दौरा है, पंचायती चुनाव को लेकर भी सियासी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी कर रही है? देखिए, पंचायती चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले कर लिया था। पंचायत में हमारी भागीदारी होगी, हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। उसकी व्यापक तैयारी भी चल रही है। अब आजकल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी न्याय पंचायत और ग्राम सभा के इकाइयों के गठन की प्रक्रिया में लगी है। निश्चित रूप से हम संगठन के आधार पर आने वाले सभी चुनाव में मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे और मैं भरोसा है उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, गरीब जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी। राम मंदिर बन रहा है, लोग चंदा भी दे रहे हैं, कल योगी ने भी 2 लाख चंदा दिया है, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से क्या जुटाएगी? देखिए, 1 साल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर 2 गुने से अधिक बढ़ा है। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था, विधानसभा में जब मैंने सरकार से जानना चाहा कि 1 साल में बेरोजगारी का दर क्या है, 5.47 से बेरोजगारी का दर 12.5 तक पहुंचा है। पूरी तरह यह सरकार नौजवानों को रोजगार के प्रति छलने और ठगने का काम कर रही है। नौजवान हताश है, निराश है। जितनी भी भर्तियाँ निकली, अभी मैं कल देख रहा था पीएससी की भर्ती में, जिसमें 14,000 पुलिस के जवानों का केवल मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, बाकी जो 34,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती का इंतजाम ये सरकार नहीं कर पा रही है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। सर, आज पूरे देश में वैक्सीनेशन किया गया? देखिए, वैक्सीन आया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था। निश्चित रूप से बीमारी महामारी से देश के काफ़ी लोग चिंतित थे। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि सरकार इसे मुफ्त में हर गांव गरीब के लोगों को उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर की बात करें सर, तो आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह है? जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, किसी की जान सुरक्षित नहीं है, लूट हत्या डकैती बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है। अभी मैं चंदौली में था, चंदौली में एक सोनकर परिवार के एक व्यक्ति की परसों हत्या हो गई। बनारस में, आगरा में, मथुरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या, सुजीत पांडे व्यापारी की हत्या। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रोज कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हत्या, लूट और बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश के मेन पृष्ठों पर न हो।